ज्यादा जलस्तर वृद्धि हो रहा है। घोरघट रघुनाथपुर का बीच है, जोर शोर से काम चल रही है। हालांकि माता रानी की कृपा है, आप सभी का उम्मीद है कि यहां पर मेला होने की 100% चांस है। राहत भरी खबर यह है कि पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी के जलस्तर, इस बार कौन सा कलाकार आए। नमस्कार, मैं हूं रंगीला 2.0 का बाज में, आप देख रहे हैं G2.0 फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी के प्रांगण में आ गई है। जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे हिसाब से गंगा नदी के जलस्तर 24 घंटा में 3 फीट से ज्यादा जलस्तर वृद्धि हो रहा है, जबकि वही बाढ़ आपदा के वेबसाइट के मुताबिक से 50 से 60 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर पानी बह रहा है। राहत भरी खबर यह है कि पटना के दीघा घाट पर गंगा नदी के जलस्तर अस्थिर हो गया है, वही हथिंदे में जलस्तर काफी बढ़ रहा है। हालांकि गंगा नदी के आसपास जितने सहायक नदी नहर है, सभी जगह गंगा नदी के जलस्तर वृद्धि हो रहा है। बिहार के अलावा बंगाल भी काफी उफान पर है। बिहार के अलावा आसपास के राज्यों में हर जगह बाढ़ नजर आ रहा है। हालांकि यूपी में पिछले 2-3 सप्ताह से भयानक बाढ़ आने से यूपी पूरी तरह से तबाही हो गया है, उसका जीवन रहना सहना पूरी तरह से नर्क हो गया है, जिसके कारण से गंगा नदी के सहारे पानी बह रहा है बंगाल के खारिज में। 2019 में जब बाढ़ हुआ था तो पूरा यहाँ की टेंट फेंट डूबा हुआ था। टेंट डूबने के बावजूद भी यहाँ की मेला सदस्य मेला टीम ने कड़ी मशक्कत के साथ साफ सफाई करके यहाँ पर मेला लगाने की पूरी तरह से जान जी ताकत लगा दिया था, जो कि यहाँ पर काफी पानी था और आने जाने का जो साधन था गली में भी 4-5 फीट पानी था, जिसको पंपिंग सेट के माध्यम से पानी को फेंक करके साफ किया था। फिर भी मेला लगाया था, अच्छी धूमधाम से बड़े कलाकार आया था। इस बार कौन सा कलाकार आएगा कि नहीं आएगा, मुझे इतना कोई जानकारी नहीं है अब तक। कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी के प्रांगण में जलस्तर का पानी आने के बावजूद भी बुर्ज खलीफा और कैलाश पर्वत और शंकर भगवान की प्रतिमा पर जोर शोर से काम चल रही है। हालांकि माता रानी की कृपा है, आप सभी का उम्मीद है कि यहां पर मेला होने की 100% चांस है। ये जो लोकेशन देख रहे हैं, मुंगेर भागलपुर NHSC नेशनल हाईवे बरियारपुर सुल्तानगंज के बीच घोरघट रघुनाथपुर का बीच है, जो कि NHSC पर एक दूसरे तरफ से गंगा नदी के जलस्तर की तेज धाराएं बह रही है। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक G2.07 बाढ़ की खबरें, बस इतना सा।